नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की वीडियो मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि अगर 10 mm की एक मोटी सीट है और मेरे को उसको रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप देना है जिसका ओडी होगा 300 mm, तो मैं कितनी लंबी सीट लूँगा कि उसको रोल करने के बाद उसका जो ओडी हो वो 300 mm आ जाए। अगर आप एक 300 mm की लंबी सीट लेके उसको रोल करेंगे तो उसका ओडी 300 mm नहीं आएगा, उसका ओडी उससे कम आएगा, उसका ओडी लगभग 100 mm या 150 mm आएगा। तो अगर मेरे को 300 mm ओडी का एक सिलेंड्रिकल शेप चाहिए तो मैं कितनी लंबी सीट लूँ कि जब मैं उसको रोल करूँ तो उसका ओडी 300 mm आ जाए। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ओडी माइनस थिकनेस इनटू में पाई। अगर हम ओडी, जैसे 300 mm हमें ओडी चाहिए, अगर हम इस ओडी में से थिकनेस को माइनस करके इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर के लिए मान लीजिए कि एक जो सीट है मेरे को उसका ओडी आउटर डाया चाहिए 300 mm, तो ओडी हो गया 300 mm। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इसकी थिकनेस, जो सीट की थिकनेस है वो है 10 mm, तो आपका ये बचेगा 290। अब मैं 290 को इंटू कर दूंगा पाई से, पाई मतलब 3.14 से, आंसर आ जाएगा आपका 910। तो अगर मैं एक 910 लंबी सीट लूँगा और उसको रोल करूँगा तब जाके उसका ओडी 300 mm आएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है कैलकुलेट करने का। जब भी एक डिजाइन इंजीनियर अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करता है तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, वरना वो डिजाइन ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डिजाइन इंजीनियर के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी दमदार वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।